हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना जो यूनिट सेकंड है उसका चैप्टर 8 पढ़ रहे थे, कम्युनिटी इकोलॉजी। होपफुली प्रीवियस वीडियो में समझ में आ गया होगा। बीच में आपको गैप भी मिल गया, सैटरडे एंड संडे, सॉरी संडे का छुट्टी थी, तो सारे वीडियोस आप संडे के दिन एक बार रिवाइज करके अपने शॉर्ट नोट्स में याद कर लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हमने कम्युनिटी इकोलॉजी के अंतर्गत अपने जितने भी जो कम्युनिटी के कैरेक्टर्स होते हैं उनको कैटेगराइज्ड किया था। उसके अंदर हम क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स की स्टडी कर रहे थे। क्वांटिटी कैरेक्टर्स जो है उसके अंतर्गत एक ग्रोथ फॉर्म्स एंड लाइफ फॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कम्युनिटी का, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो ग्रोथ फॉर्म एंड लाइफ फॉर्म जो है कम्युनिटी इकोलॉजी के अंदर, उसको स्वीडन का एक वैज्ञानिक था राउन कियर ने, उसने जीवन रूपों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था इस कम्युनिटी के अंदर। एक्चुअली कोई भी कम्युनिटी जो है उसकी स्टडी के लिए पौधों का आकार जो है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, कि पौधों के आकार किस तरह से है, उनके जो चिरकालिक अंग है वो धरती पर या ज़मीन पर किस तरह से उगे हुए हैं, उसके आधार पर ही इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। ये माना जाता है कि जो प्लांट का एडेप्टेशन है उसके ऊपर ही वो क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो प्लांट है उसके अंदर जितनी ज़्यादा अधिक उसको क्लाइमेटिक कंडीशन को सहन करना पड़ेगा, जितनी ज़्यादा उसके लिए डिफ़िकल्ट या चैलेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, उतने अंदर उसके अंदर एडेप्टेशन पैदा होंगे। और जितना ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशन के प्रति पौधा अपने आप को तैयार करेगा, अपने अंदर एडेप्टेशन लाएगा, उतनी उसकी सर्वाइवल जो उत्तरजीविता है वो बढ़ जाएगी। तो प्लांट सर्वाइवलशिप जो है वो प्लांट्स के अंदर जो सीड्स है वो किस क्वालिटी के हैं, और उसके प्रीनेटिंग्स ऑर्गन्स जो है यानी कि चिरकालिक अंग है जैसे राइजोम्स है, ट्यूबर्स है, कॉम्स है, इन सब पे वो डिपेंड करता है। तो राउन कियर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने लाइफ फॉर्म्स के 5 टाइप्स में बांटा। हम सबसे पहले फेनेरोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। फेनेरोफाइट्स जो है उसके अंदर जो कलिका जो होती है, जो प्लांट्स की बड जो होती है वो नग्न होती है या सल्क से ढकी हुई, दोनों तरह से हो सकती है। और ये जो धरती है या ज़मीन जो है या मृदा की जो ऊपरी स्तर है उसके ऊपर की ओर निकली हुई थी, प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये जो पीछे की तरफ लिखा हुआ है इसका मतलब प्लांट है, और ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो होता है, उष्णकटिबंधीय जो जलवायु है उसके अंदर पाए जाते हैं। इनको भी फिर आगे 5 भागों में बांटा गया है। ये जो 5 भाग है इसके अंतर्गत एक मेगा फेनेरोफाइट्स है। मेगा फेनेरोफाइट का मतलब है जो कलिकाएं हैं उनकी ज़मीन से जो हाइट है वो 30 मीटर से ज़्यादा है, या एम का मतलब मीटर है। मिजोफाइट्स जो है उसकी जो हाइट है वो 30 मीटर के बराबर होती है। माइक्रोफाइट्स का मतलब है जो कलिकाएं हैं उनकी ज़मीन से जो हाइट है वो 2.8 मीटर से। एंड देन नैनो फेनेरोफाइट्स है उसकी जो ज़मीन से हाइट है वो 2 मीटर के आसपास है। तो इस तरह से इसको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया है। इनकी कलिका मैंने पहले ही बता दिया, नग्न हो सकती है, सल्कों से ढकी हुई हो सकती है, पौधे के ऊपरी भाग में ये स्थित होती है, और ये जो उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर जो लाइफ फॉर्म्स है वो हमें ट्री, श्रब्स, क्लाइंबर, इन सब में मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये 4 फेनेरोफाइट्स के सब टाइप हो गए हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कैमियोफाइट। कैमियोफाइट जो है उसको हम जो अलग अलग 4 भागों में और कैटेगराइज कर देते हैं, लेकिन पहले हम समझते हैं कि कैमियोफाइट क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। ये एक तरह से छोटी झाड़ियाँ या विसर्प, मतलब इसमें कह सकते हैं कि इसके अंदर हम छोटी झाड़ियाँ या ज़मीन से लगते विसर्प शाकीय पादप होते हैं, या काष्ठीय बहुवर्षीय पादप इसमें सम्मिलित होते हैं। इसमें चिरकालिक कलियाँ होती है या अन्य अंग होते हैं जो भूमि से ऊपर लगभग 25 सेंटीमीटर, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, मैंने यहाँ 25 मीटर नहीं 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो फेनेरोफाइट थे वो तो 30 मीटर तक हाइट पर पाए जा रहे थे, 2 मीटर हाइट पर पाए जाते, लेकिन ये बहुत ही कम भूमि से ऊपर निकले हुए रहते हैं, लगभग 25 सेंटीमीटर की इनकी हाइट होती है। तो उसके अंतर्गत ये सारे कैमियोफाइट्स आते हैं। इसमें मेन एग्जांपल हम ले लेते हैं ग्रीविया, ट्राइफोलियम और ग्लोबुलेरिया, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो ये ज़्यादातर जो ठंडे प्रदेश होते हैं, कोल्ड टेम्परेट होते हैं, वहाँ पाए जाते हैं। इसको हम सब टाइप्स जो है 4 कैमियोफाइट को बांटा गया है। सबसे पहले है सब फ्रूटिकोस कैमियोफाइट जो है ये लगभग पौधे के प्ररोह जो होते हैं बहुत ही इसमें सीधे होते हैं, और इसमें चर कलिकाएँ जो होती है वो अच्छी तरह से उपस्थित होती है। प्ररोह के आधार पर यानी कि बेस पर ही, जो स्टेम होगा उसके बेस पर डिपेंड मतलब स्थित होती है। और नेक्स्ट है पैसिव कैमियोफाइट जो होते हैं इसके भी प्ररोह लगभग सीधे होते हैं, इरेक्ट होते हैं। इसमें जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है उसमें जो प्ररोह होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। चिरकालिक जो कलिकाएँ होती है वो 37 प्ररोह जो होती हैं वो पाए जाते हैं उसमें उपस्थित होती है।
फिर एक्टिव कैम्योफाइट, एक्टिव कैम्योफाइट में जो इरेक्ट शूट्स नहीं होती है, जो हॉरिजॉन्टल शूट्स होती है उसके ऊपर नोड्स पाई जाती है, उस पर रूट्स पाई जाती है, उस पर चिरकालिक कलिकाएं यानी कि पेरनेटिंग बर्ड्स पाई जाती है। नेक्स्ट जो है कुशन कैम्योफाइट, कुशन का नाम आपको पता ही होगा, कुशन का मतलब ज़मीन के बिल्कुल लगा हुआ। तो पौधे के प्ररोह बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, कुशन के समान होते हैं। कुशन का मतलब जो एकदम गद्देदार तकिया जो होता है, जैसे हम घास स्थल जो कहीं बहुत अच्छे गद्देदार होते हैं हम कहते हैं ना कुशन की तरह लग रहा है, तो वो कुशन कैम्योफाइट। तो इसमें पौधे के प्ररोह बहुत छोटे होते हैं, कुशन के समान होते हैं, और ये पौधे जो होते हैं कैम्योफाइट तथा हेमिक्रिप्टोफाइट के मध्य की संक्रमण अवस्था कहलाती है। कैम्योफाइट जो ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, और हेमिक्रिप्टोफाइट जो बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेट जोन होता है, तो उन बीच की जो संक्रमण अवस्था होगी वो कुशन कैम्योफाइट होगी। इसमें जो तीसरा लाइफ फॉर्म है वो हेमिक्रिप्टोफाइट्स है। हेमिक्रिप्टोफाइट जो होते हैं वो कोल्ड टेम्परेट में पाए जाते हैं, इनकी जो कलिकाएं होती है भूमि सतह के जस्ट नीचे होती है। अब इसमें ध्यान देना, सबसे पहले हमने देखा था उसमें फेनेरोफाइट में भूमि से काफ़ी ऊपर, कैम्योफाइट में भूमि से जस्ट 25 सेंटीमीटर ऊपर या फिर एकदम ज़मीन पे, इसमें ज़मीन से जस्ट नीचे। तो जो हेमिक्रिप्टोफाइट होता है उसमें जो कलिकाएं होती है भूमि सतह के जस्ट नीचे की ओर होती है, इससे उनको मिट्टी की द्वारा सुरक्षा प्राप्त हो जाती है, और इनके तने जो होते हैं वो हर वर्ष समाप्त हो जाते हैं, इनकी मतलब जीवन काल जो होता है वो छोटा होता है। इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं प्राइमूला और कॉन्वोवुलस और कैरेक्स, ये सब। उसके बाद में क्रिप्टोफाइट, अब क्रिप्टोफाइट में क्या होगा, ये ज़मीन से और भी ज़्यादा नीचे होगी, यानी कि मृदा के अंदर इसकी जो चिरकालिक पेरनेटिंग्स बर्ड्स होती है वो पूर्ण रूप से मृदा के अंदर पाई जाती है। इसमें राइजोम्स हो जाएंगे, ट्यूबर्स हो जाएंगे, कॉम्स हो जाएंगे, ये मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिलियस ही लिखा है, ऑर्किड्स है और फर्न्स है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स है। रूट में जो परजीवी होते हैं, जो मैंने आपको पहले जो बायोटिक फैक्टर थे जो इकोसिस्टम के बायोटिक फैक्टर में मैंने आपको म्यूचुअल और कॉमन सेलीज में ये सब बताया था, तो उसमें मैंने आपको परजीवी प्लांट्स भी बताए थे। तो परजीवी प्लांट्स जो रूट्स के होते हैं, जिसमें ऑरनबैकी, रफलेशिया, अब देखो यहाँ पे रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने रिवीजन किया है तो आपके तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि ऑरनबैकी अच्छा रूट्स का पेरेसाइट, रफलेशिया अच्छा रूट्स का पेरेसाइट, इस तरह से। तो रफलेशिया को याद करना तो बहुत ईजी है, क्योंकि R4 रफलेशिया एंड R4 रूट्स पेरेसाइट। तो ये जो रूट्स के पैरासाइट्स हैं वो भी क्रिप्टोफाइट्स के अंदर आते हैं। एक और बात कि क्रिप्टोफाइट्स को हम जियोफाइट्स भी कहते हैं, जियो का मतलब होता है ज़मीन के अंदर, धरती के अंदर, हमें कहते हैं ना जियोट्रॉफिक इसकी ग्रोथ है, यानी कि ज़मीन के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ, तो जियो का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ, तो जियोफाइट्स का मतलब मृदा के अंदर इसकी चिरकालिक कलिकाएँ पाई जाती है। इसमें लिलियसी, ऑर्किड्स, फर्न्स, रूट्स, पैरासाइट्स। अच्छा एक और बात, जो प्लांट्स जो होते हैं जो हाइड्रोफाइट होते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं, उसको भी हम अब रॉन कीनियर जो थे वो क्रिप्टोफाइट्स के अंदर सम्मिलित करते हैं, जियोफाइट्स के अंदर सम्मिलित करते हैं। इसके एग्जांपल हो जाते हैं वेलिशनेरिया एंड हाइड्रिला। अब ये देखो यहाँ पे एग्जांपल, ये जो डायग्राम है इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो ये सबसे पहले फेनेरोफाइट, तो मैंने बताया ये ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊपर, अब ये 30 मीटर से लेके 2 मीटर तक इसकी जो लेंथ है उसमें वेरिएश हो सकता है। तो इसमें ये बर्ड्स जो होती है ज़मीन के ऊपर सॉइल लेवल के ऊपर पाई जाती है। ये इधर देखो आराम से कैम्योफाइट बहुत अच्छे से आपको दिख रहा है, इसकी जो होती है वो लगभग 25 सेंटीमीटर ऊपर या एकदम ज़मीन से लगी हुई इसकी जो बर्ड्स होती है पेरेंटिंग चिरकालिक वो होती है। नेक्स्ट है हेमिक्रिप्टोफाइट, यानी कि ज़मीन के जस्ट अंदर, ठीक है धीरे धीरे हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो ये ज़मीन के जस्ट अंदर इसकी बर्ड्स होती है, तो ये हेमिक्रिप्टोफाइट। फिर भूमि के अंदर तो ये जियोफाइट्स या क्रिप्टोफाइट्स, ये देखो यहाँ पे ये जियोफाइट्स है, इसमें राइजोम्स, ये देखो ये ट्यूबर्स, बल्ब्स, ये सब पाए जाते हैं। और फिर यहाँ आ जाता है थीरोफाइट्स, जो डेजर्ट्स है, तो इसमें जो सीड्स होते हैं वो अंदर की ओर होते हैं, यानी कि ये भूमि की सतह से काफ़ी अधिक नीचे की ओर इसकी जो चिरकालिक बर्ड्स है वो पाई जाती है। उसके बाद में आप देखो ये थीरोफाइट्स है, ये मौसमी पादप होते हैं जो कि अपना जीवन चक्र एक अनुकूलित मौसम में पूर्ण करते हैं, और शेष जो जीवन होता है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में यानी कि पूर्ण वर्ष बीज के रूप में डोरमेंट अवस्था में व्यतीत करते हैं। ऐसा ज़्यादातर डेजर्ट एरिया के प्लांट्स में होता है। थीरोफाइट्स का मतलब है ये बहुत अधिक लंबे समय तक शुष्क परिस्थितियों का सामना करते हैं। तो इस तरह से रॉन कीयर के हिसाब से ये 5 जो है चिरकालिक अंगों की उपस्थिति, उनकी स्थिति, उनकी ऊंचाई, इसके आधार पर इन्होंने 5 जीवन रूपों को बांटा, फेनेरोफाइट, कैम्योफाइट, हेमिक्रिप्टोफाइट, क्रिप्टोफाइट, थीरोफाइट। ये 5 रूपों को मैंने अच्छे से समझा दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मेरे MSc का जो एग्ज़ाम हुआ था 2008 में, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, और मेरे से ये थोड़ा सा गलत हो गया था, तो इसलिए मुझे अच्छे से याद रहता है, और ये कई कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया रॉन कीयर के जो 5 ही जो
क्या कहते हैं, जो लाइफ फॉर्म्स है वो है। उसके बाद में एक वर्ड आता है बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम, इस पर छोटा क्वेश्चन पुटअप होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन या जो आपके शॉर्ट्स क्वेश्चन आते हैं उसमें ये ज़रूर पूछा जाता है। तो बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम बहुत ईजी है कि कोई भी जो कम्युनिटी थी उसमें हम सब जानते हैं कि अलग अलग टाइप्स के अलग अलग जीवन रूपों के प्लांट्स होते हैं। तो एक कम्युनिटी में संख्या या प्रतिशत के रूप में विभिन्न जातियों के जो जीवन रूपों का अनुपात है, यानी कि कम्युनिटी में कितने अलग अलग तरह के प्लांट्स के फॉर्म्स पाए जाते हैं, अलग अलग जातियों के जीवन प्रारूप पाए जाते हैं, उनका जो अनुपात है संख्या में या प्रतिशत में, वो वहाँ का बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो एक कम्युनिटी का ये बेसिक कैरेक्टर है बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। ये पूछा जाता है कम्युनिटी का बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम कैसा है, तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक कम्युनिटी में संख्या या प्रतिशत के रूप में विभिन्न जातियों के जो जीवन रूपों का अनुपात है वही उसका बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम कहलाता है। और कोई भी जो बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम होता है वो वहाँ के प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट को शो करता है। प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट का क्या मतलब हो गया, प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट का मतलब होगा कि वहाँ पे किस तरह का एनवायरनमेंट पाया जा रहा है, वहाँ पे किस तरह का एनवायरनमेंट रहा है। तो जैविक स्पेक्ट्रम किसी भी कम्युनिटी का वो वहाँ के एनवायरनमेंट का एक सूचक होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम जैसे बताएं कि हम बोलेंगे कि यहाँ जैविक स्पेक्ट्रम में थिरोफाइट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे ये लंबी शुष्क परिस्थितियों को इंगित करता है, यानी कि वहाँ कैसा मौसम है, ड्राई मौसम है, ड्राई सीजन है। तो इस तरह से बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम जो होता है वो एनवायरनमेंट को प्रिवेल करता है। जैसे मैंने बताया ना कि जैसे बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम में जैसे थीरोफाइट्स बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं, उनकी परसेंटेज बहुत हाई है, यहाँ मैंने लिखा है थीरोफाइट्स हाई परसेंटेज, और ये फिर एरो का निशान क्या है, देन लिखा है सोज लॉन्ग ड्राई सीजन, यानी कि ये थीरोफाइट्स की हाई परसेंटेज किसको शो कर रही है, एक लंबे समय की शुष्क परिस्थितियों वाले मौसम को शो कर रही है, और यही वहाँ का एक्टिव प्रोडक्टिव एरिया जो है उसको संबोधित करता है। जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समान जैविक स्पेक्ट्रम जो है वो वहाँ की जलवायु की समान परिस्थिति को संकेत करता है, और पत्तियों के आकार को ही जलवायु परिस्थितियों से सहसंबंधित किया गया है। अगर मान लो जैसे शुष्क परिस्थितियाँ है, तो वहाँ पे जो पत्तियाँ हैं उसके अंदर जो स्टोमेटा है उसकी संकन होंगे या निचली साइड में ज़्यादा होंगे इस तरह से। तो आधुनिक समय में इस प्रकार का जो अध्ययन है वो वृक्षों के एक्टिव प्रोडक्शन एरिया से संबंधित किया गया है। बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम के आधार पर ही भौगोलिक रूपों से जो अत्यधिक पृथक पादप समुदाय है उनकी एक दूसरे से तुलना की जा सकती है। लाइफ फॉर्म्स जो होते हैं वो हमेशा कोरिलेटेड करते हैं एरिया को या क्लाइमेट डायरेक्टली, मतलब जो भी डायरेक्टली वहाँ का क्लाइमेट है उसको। तो इस तरह से जैसे हम कहें कि फेनोरोफाइट है तो वो उष्ण और नम जलवायु को इंगित करते हैं, जैसे हम कहें कैमियोफाइट है या भूतलोद्भिद है तो वो अत्यधिक शीत जलवायु को प्रदर्शित करता है, हम कहें हेमिक्रिप्टोफाइट है या जियोफाइट है तो वो घास स्थल की जो उपयुक्त तो जलवायु होती है उसको शो करता है, हम कहते हैं क्रिप्टोफाइट है तो वो उष्ण यानी कि और शुष्क, फेनोरोफाइट उष्ण एवं नम जबकि क्रिप्टोफाइट उष्ण एवं शुष्क परिस्थिति को इंगित करता है। जैसे थिरोफाइट्स है तो वो एकदम हॉट एंड ड्राई जो सीजन है या क्लाइमेट है उसको शो करता है। तो इस तरह से अलग अलग बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो वहाँ की क्लाइमेटिक जोन को, वहाँ के रिलेटिव प्रोपोर्शन को शो करते हैं। अब यहाँ पे एक मैं सारणी लूँगी, उससे मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगी कि जो टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स है एज गिवन बाय रॉन कीनियर, उन्होंने लीफ शेप पे भी अलग अलग टाइप्स दिए थे लाइफ फॉर्म्स के। जैसे उन्होंने यहाँ पे जो ऊपर वाली सारणी है उसमें देखो, जैसे लेप्टोफिल्स, फिल्स का मतलब जहाँ पे भी पीछे फिल्स लगता है वो लीव्स को शो करता है, जैसे फिल्लोइडी कहते हैं ना लीव्स की स्ट्रक्चर इस तरह से। तो लेप्टोफिल्स तनुपर्ण है, ये जो पौधे हैं इसमें 25 वर्ग मिलीमीटर से कम की जो आकार की पत्तियाँ होती है। फिर है नैनोफिल्स, इनकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा छोटी होती है, 25 से 225 वर्ग मिलीमीटर इनका आकार होता है। फिर है माइक्रोफाइल्स, माइक्रोफाइल्स में 225 से 2025 वर्ग मिलीमीटर। देन मिजोफिल्स, मिजोफिल्स जो होती है वो 2025 से 18,225 वर्ग मिलीमीटर इनकी लीफ की जो स्ट्रक्चर्स है। देन मैक्रोफिल्स एंड देन मेगाफिल्स। अब आपको ये सब जो सारणी की जो पैरामीटर्स है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालना है, जितना हमें याद होता है उतना हमें याद रखना है, बाकी हमें चीज़ों को समझना है। ये समझना है कि लैप्टोप का मतलब क्या है, वो किस तरह की लीव्स को शो करता है, और हम जब लैप्टोप से मेगाफिल्स की ओर जाते हैं तो चेंजेस क्या आ रहे हैं, लीव का साइज़ बढ़ रहा है या लीव का साइज़ घट रहा है। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा दिमाग को जोर नहीं देना है, दिमाग को रेस्ट देनी है, तभी आपकी जो कैपेबिलिटी है स्टडी की वो बढ़ेगी। कई लोग क्या करते हैं कि जो ये दिए हुए होते हैं डाटास उनको याद करने की कोशिश करते हैं, जबकि डाटास जैसे क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं। हमें याद क्या करना है, उनको समझना है कि हम जब लेप्टोफिल्स की बात करें, नैनोफिल्स की बात करें, माइक्रोफिल्स की बात करें, देन मीजोफिल्स, देन मैक्रोफिल्स, देन मेगाफाइल्स, तो फिल्स
तो इसका मतलब कि हम जब जब नीचे की ओर जा रहे हैं तो इसमें लीव्स की साइज़ जो बढ़ती जा रही है। बाकी ये सब याद करने बैठोगे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, और याद होता है जिन लोगों को, जिनका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है तो उनके लिए अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सोचते कि अरे हम डाटा याद करने में रह जाएंगे तो बाकी चीज़ छूट जाएगी। तो पहले आप चीज़ों को समझो, फिर उसके बाद इन पर ध्यान दो। उसके बाद में जो सेकंड सारणी है वो ब्रॉन ब्लैंकेट जो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने रॉनकीर द्वारा जो वर्गीकृत जीवन प्रारूप है उनका और विस्तार समूह में बांटा। उन्होंने कहा कि जो फाइटोप्लैंकटन होते हैं, इसका मतलब जल वायु या बर्फ में मिलने वाले शुष्क प्लावक पौधे या जो फ्लोटिंग प्लांट जो पानी के ऊपर तैरते हैं उनको कहते हैं फाइटोप्लैंकटन। फिर है फाइटो इडेफोन, यानी कि जो इडेफ, इडेफ का मतलब क्या होता है, मृदा, हमने पढ़ा था ना इडेफोलॉजी, या इडेफिक, इडेफिक का मतलब मृदीय। तो जहाँ पे भी इडेफिक वर्ड आ जाता है उसका आप तुरंत मतलब निकालिए कि ये मृदा से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क दे देती हूँ कि मिट्टी के अध्ययन की जो ब्रांच है उसको क्या कहते हैं, देखते हैं कमेंट में बताइएगा, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। तो फाइटो इडेफोन का मतलब है सूक्ष्म मृदीय जीव या जीवाणु। उसके बाद है एंडोफाइट्स, एंडोफाइट्स का मतलब अन्य जीवों के अंदर मिलने वाले पौधे। एंडो का मतलब होता है अंदर की साइड, एक्सो का मतलब होता है बाहर की साइड। फिर है थियोफाइट्स, थियोफाइट्स का मतलब है हमेशा थियो वर्ड जो है वो गर्म या फिर बहुत ज़्यादा शुष्क परिस्थितियों को शो करता है, डेजर्ट को शो करता है। तो यहाँ पे थियोफाइट्स जो है वो गर्म तथा ठंडे शुष्क प्रदेशों में उगने वाले एनुअल प्लांट्स के लिए है। फिर जलीय पौधे, तो आपको पता ही होगा कि जल में रहने वाले पौधे। फिर जियोफाइट्स है यानी कि जिनकी चिर कलिकाएं अंग या कलिकाएं जो जियो ट्रॉफिक ग्रोथ करते हैं या जमीन के अंदर होते हैं, आधार जो होता है जमीन का उसके अंदर की ओर धसे रहते हैं। हेमिक्रिप्टोफाइट्स में बेल आ जाती है, लताएँ आ जाती है, क्रीपर्स होती है या रोजेट प्लांट्स होते हैं। फिर कैमियोफाइट्स में आ जाते हैं मॉस और सरस या ये सब पौधे। देन फेनेरोफाइट्स में आ जाते हैं सरस, तने, लता, ये सब। और एपीफाइट्स जो है उसमें आ जाता है अधिकतर वृक्षों की छालों पर मिलने वाले पौधे। यहाँ पे फिर एक होमवर्क आपके लिए आ जाता है कि जो एपीफाइट्स है उसमें कौन सा स्पेशल टिश्यू पाया जाता है जिसकी वजह से वो बिना रूट्स के ही वाटर को एब्जॉर्प्शन कर पाते हैं, तो उस टिश्यू का नाम भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये आपका एक होमवर्क हुआ। तो ये सारा हो गया कि लाइफ फॉर्म्स और ग्रोथ फॉर्म्स जो होता है एक कम्युनिटी का किस तरह का कैरेक्टर है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। थैंक यू सो मच।